स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त कुणाल त्यागी। और दोस्तों ये जो वीडियो है वो मैं अपने घर से बना रहा हूँ जल्दी से, बिकॉज सुबह से मेरे पास ऑलमोस्ट 5-6 मैसेजेज आ चुके हैं और ये क्वेरी लोगों की पहले भी थी महीनों से। इस पर मैंने पहले भी जवाब दिए थे कि काम चल रहा है, बट अब फाइनली जाके जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा ही होगा, अब वो प्लान फाइनली सक्सेसफुल की तरह बढ़ रहा है और उस पर ऑफिशियली मोहर लग गई है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे रिगार्डिंग पेरेंट्स, और भी वीसा पे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी अच्छी बातें डिस्कस की थी जो कि अब फाइनली ऑस्ट्रेलिया में हो रही हैं, जो कि इन्हें बहुत पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, बट अब फाइनली हो रहा है वो सब। तो आज दोस्तों हम वो सब डिस्कस करेंगे। आज हम कहीं बाहर तो नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं घर पर ही बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ जल्दी, बट मैं अपने अपार्टमेंट में ही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा अपार्टमेंट की बिल्डिंग यहाँ पे। बट चलिए फिर डिस्कस करते हैं। आज बहुत ही एक खुशखबरी का दिन है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए ऑब्वियसली जो लोग ईगर हैं और जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर क्या टिकट करा लें, वो सब बातें मैं चलिए डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को खुद पर्सनली बताऊं, मुझे भी ये बात बहुत खटकती थी। अगर आपने अब तक इससे पहले यहाँ की होम अफेयर्स की साइट देखी होगी covid19.homeaffairs.gov, तो अगर आप उसमें जाएंगे इमीडिएट फैमिली के सेक्शन में जहाँ पे वो लिखा हुआ है कि कौन कौन आ सकते हैं यहाँ पे, तो उसमें आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट्स या फिर जो PR हैं वो अपनी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को ला सकते हैं, जिसमें केवल 4 उसमें लिखे होते थे, स्पाउस, डिफैक्टो पार्टनर, डिपेंडेंट चाइल्ड और आपका कोई लीगल गार्जियन। तो ये 4 हो सकते थे और ये बात मुझे भी बहुत खटकती थी कि जो बेचारे हमारे पेरेंट्स वहाँ पे रह गए या फिर अगर हेल्थ कंसर्न है उनका तो उनका ख्याल कौन रखेगा। मतलब आप सोचिए ये बात, मतलब थोड़ी सी मजाक की भी लगती है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है हम उन्हें ही ये बात ऑफिशियली प्रूव करने में लगे हुए हैं कि वो हमारी इमीडिएट फैमिली है। तो ये इस पर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए और अब फाइनली अब जाके कल शाम को ही ये ऑफिशियली जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने मीटिंग करके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने ये डिक्लेयर किया है कि हाँ हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इस पर बहुत दिन चर्चा की और फाइनली हम ये मानते हैं कि पेरेंट्स भी इमीडिएट फैमिली मेम्बर हैं। मतलब अब हमने ये फाइनली ये हुआ है कि हमारे पेरेंट्स हमारी इमीडिएट फैमिली मेम्बर है, ये फाइनल हो गया है और इस पर उन्होंने माहौल लगा दिया। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है, मैं पर्सनली भी बहुत खुश हुआ। मेरे बहुत से फ्रेंड्स भी हैं ऐसे जो अपने बेचारे लाना चाहते थे अपने पेरेंट्स को यहाँ जहाँ पे अकेले थे, मेरे पेरेंट्स भी वहाँ इंडिया में अकेले रहते हैं, या फिर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे इतने कोविड के टाइम में अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाए और बेचारे वो अकेले वहाँ रह गए, ये यहाँ पे हैं। तो ये बहुत ही खुशखबरी खबर है। तो अब अगर आप उनकी होम अफेयर्स की साइट पे जाएंगे, जो जो होगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा COVID-19 पे, तो अब उन्होंने एक अलग से अब सेक्शन अब जाके दिया है पेरेंट्स ऑफ PR एंड ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है जो कि स्कॉट मॉरिसन ने कल दी है। अब इस पर कैसे क्या होगा, जो रियल कंसर्न है ये अब उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट तो आ गई, बट अब ये कहाँ से शुरू होगा, कैसे होगा और इमीडिएटली आप लोग एकदम से क्या कर पाएंगे, कौन आ पाएगा, उस पर और अभी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा घर के अंदर ही आ गया, वो सामने अपार्टमेंट वाले बहुत फ्रेंडली हैं तो वो मुझे टीज करने लगे थे, हे वी हैव ए यूट्यूबर हेयर, वी हैव ए यूट्यूबर हेयर। सो मैंने उन्हें बाय बोला और मैंने बोला चलो मैं घर के अंदर ही जाता हूँ। तो दोस्तों बात ये है कि कमिंग दिस 1 नवंबर 2021 ये फाइनली ये प्लान एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हैं, जिसमें अब हम अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर जो और थे पहले भी, अब उसमें साथ में ये इंक्लूड कर देंगे पेरेंट्स भी, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू साउथ वेल्स, बिकॉज न्यू साउथ वेल्स जो है वो अब फर्स्ट स्टेट ऑलमोस्ट हो ही गया है जहाँ पे 80% इनकी जो डबल डोज वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट थी वो अब होने वाली है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 1 नवंबर जो कि ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट्स हैं और जो सिटीजन्स हैं वो अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, भले ही उसमें इंडिया हो या और कोई कंट्री हो। बट एक बात इसमें ये जानने वाली है कि क्योंकि इतने टाइम से लोग वेट कर रहे हैं, तो इमीडिएटली अगर सब अप्लाई करेंगे, जो कि ऑब्वियसली करेंगे भी, तो उसके लिए भी इन्हें प्लान्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने लास्ट 2 ईयर्स में चाहे विजिटर वीसा हो 600 या और भी कोई वीसा हो,
अलाउ तो किया नहीं है पेरेंट्स को यहाँ आने में और कोई भी विजिटर वीसा, तो अब इमिजिएटली अगर सब पेरेंट्स को बुलाने के लिए अलाउ करेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ेंगे, तो उसके लिए या तो इन्होंने कुछ प्लान रखने पड़ेंगे, जैसे कि ई विजिटर ये रख सकते हैं कि ऑनलाइन ही जल्दी से प्रोसेस हो जाए वीसा, या फिर और कोई स्ट्रीमलाइन वीसा पेरेंट्स के लिए अलग से बना दें जो कि जल्दी प्रोसेस होने लगे, तो उस समय अभी टाइम लगेगा, अभी ये सिर्फ पेपर रिटर्न पे है, बट ये न्यू साउथ वेल्स से स्टार्ट होने वाला है सबसे पहले, क्योंकि 80% टारगेट बस अब उनका होने वाला है, उसके बाद ये और उसमें जाएगा, जैसे कि मैं विक्टोरिया में हूँ, आप में से बहुत लोग जानते हैं, तो उसमें ये बाद में आएगा और स्टेटों में फिर ये उसके बाद जाएगा, तो सबसे पहले जो न्यू साउथ वेल्स वाले हैं वो अपने पेरेंट्स को बुला सकेंगे। अब इसी पे चलते हुए हम आगे और वीसा की बात करते हैं कि क्या अपडेट्स हुए हैं, जैसे कि ये तो एक पेरेंट्स वीसा पे हो गया, 1 नवंबर से और भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बात तो हर प्रीमियर से की थी, बट अभी एग्री सिर्फ न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर हुए हैं, जो कि अभी रिसेंटली में चेंज भी हुए हैं, पहले एक लेडी प्रीमियर थी यहाँ की, अब वो चेंज होके डैन हो गए वहाँ के प्रीमियर, तो उन्होंने एग्री कर लिया है इस बात को कि 1 नवंबर से अब जो भी आएगा होम क्वारंटीन के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया है, तो जो रेजिडेंट्स या पीआर या उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो कि आएंगे न्यू साउथ वेल्स में, उनके लिए अब पक्का कोई होम क्वारंटीन फिक्स कर दिया उन्होंने, और अगर वहां से जा भी सकते हैं इजीली और रिटर्न भी कर सकते हैं, अब उन पे कोई कैप नहीं है, तो मतलब अगर कोई पीआर या सिटीजन न्यू साउथ वेल्स से जाना चाहता है घूमने के लिए, जैसे कि एक मेरे जानने वाले हैं वो प्लान कर रहे हैं, अगर वो बाली जाना चाहते हैं, जैसे कि बाली ओपन हो गया इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए, तो बाली जा सकते हैं आराम से इजीली और आ भी सकते हैं, और उन्हें उन पे अब कोई कैप नहीं है, ही कैन गो एनी टाइम और आ सकते हैं और आराम से होम क्वारंटीन करके रह सकते हैं। तो न्यू साउथ वेल्स में ये अब क्योंकि 80% हो गया उनका टारगेट, तो एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। आई एम श्योर कि कमिंग टाइम में विक्टोरिया में भी ये जल्दी होने वाला है, यहाँ के प्रीमियर थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उनके रूल्स भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो कि इसीलिए यहाँ पे अभी तक मेलबर्न मोस्ट लॉकडाउन सिटी बन गई है वर्ल्ड की, कि अभी तक भी हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं इन अक्टूबर, स्टार्टिंग जून में हुआ था और अभी भी ये मूड में नहीं है, वैसे कह रहे हैं कि नवंबर में शायद अब फाइनली जाके ओपन कर देंगे, बिकॉज यहाँ सब बिजनेस और सब शटडाउन सब खत्म हो गया है, तो होपफुली यहाँ का लॉकडाउन भी अब जल्दी खत्म होगा। तो उसके बाद ये एक डेवलपमेंट हुआ है कि अब न्यू साउथ वेल्स में आ सकते हैं जा सकते हैं इजीली। आगे उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी है न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने स्कॉट मॉरिसन से, कि अभी हम नेक्स्ट स्टेप जो थिंक कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी विजिटर वीसा का तो कोई चांस नहीं है, जो सिर्फ यहाँ घूमने आना चाहते हैं जिनका यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है उनके लिए तो अभी कोई चांस नहीं है, बट नेक्स्ट जो उनका सबसे बड़ा स्टेप है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, कि अब उनकी प्रायोरिटी रहेगी नवंबर से स्टार्टिंग करके कि दिसंबर में भी कुछ स्टूडेंट्स आ सकें न्यू साउथ वेल्स में सबसे पहले, या नेक्स्ट ईयर में तो काफ़ी आ सके। तो ये उनके खुद के वर्ड्स हैं कि नाउ नेक्स्ट प्रायोरिटी इज ऑफकोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ताकि आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कि ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूं वो मैं वैक्सीनेटेड लोगों के लिए कर रहा हूं, भले ही वो पेरेंट्स हो, कोई भी इमीडिएट फैमिली मेंबर हो, या कोई यहां से ऑस्ट्रेलियन बाहर जाना चाहता हो फिर से आना चाहता हो, उनके लिए ही कैप रिमूव हुए हैं ये, और ये जो पेरेंट्स का भी जो रूल आया है ये वैक्सीनेटेड उनके लिए है, अगर कोई अनवैक्सीनेटेड है तो उनके लिए फिर वो कैप जारी रहेगा न्यू साउथ वेल्स में भी, जो कि 210 है पर वीक का, और इन सब स्टेट्स में जो और हैं हमारा विक्टोरिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, वहाँ तो अभी कैप है ही, चाहे भले वो वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, और वो जो इनकी 5 वैक्सीन हैं जो कि इनकी अच्छी तरह से अप्रूव हैं उन पे मेनली मैं बात कर रहा हूं, जिसमें हमारी इंडिया की कोविशील्ड है, बाहर की एक सिनोवैक है, फिर एस्ट्राजेनेका है यहाँ की, पी फाइजर है, मॉडर्ना है, और भी एक दो वैक्सीन है जो इन्होंने अप्रूव कर रखी हैं, तो ये उन पे बात हो रही है। जो और इंडिया में दूसरी कोवैक्सीन है उस पे अभी कोई डिसीजन नहीं आया है कि वो अप्रूव है या मतलब कब होगी अप्रूव, या होगी भी या नहीं होगी, उस पे डिसीजन नहीं है अभी, बट होपफुली हो जाएगी वो भी, बट अभी तो मैं स्पेसिफिकली इनसे वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मुझे आप लोगों से क्लियर करना था, और तो जो यहाँ के हैं प्रीमियर या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं वो तो अपने हिसाब से सोचेंगे ही, स्कॉट मॉरिसन ने क्लियर बोला है कि हर प्रीमियर को हक है अपने स्टेट के बारे में सोचने का, और वो क्लियरली वो गाइडलाइन उन पे तय होगी, जैसे कि यहाँ पे, बट होपफुली हो जाएगा यहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था, यहाँ पे क्वारंटीन फैसिलिटी बन रही है विक्टोरिया में, मेकेले में एक जगह है, बहुत दूर नहीं है, अराउंड 20 किलोमीटर से मेरी यहाँ से,
तो वो वहां पे क्वारंटीन फैसिलिटी बन रही है बहुत बड़ी, जैसे कि मैं डार्विन में रह के आया था वैसे ही यहाँ पे बन रही है। बट उसे बोल रहे हैं कि वो अब शायद व्हाइट एलिफेंट ही बन के रह जाएगा, क्योंकि जब तक वो बन के तैयार होगा ये सब क्वारंटीन का चक्कर खत्म हो जाएगा, तो किसी को क्वारंटीन करना ही नहीं पड़ेगा, सबके लिए होम क्वारंटीन अलाउ हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के मिड तक होपफुली सबके लिए। तो अगर वो ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो इतना बड़ा क्वारंटीन फैसिलिटी बना रहे हैं, इट विल जस्ट बी ए वाइट एलिफेंट जिसका कोई यूज नहीं रहेगा। मैं तो चाहूंगा कि ऐसी हालत हो जाए कि किसी को क्वारंटीन ना करना पड़े, कोविड ही चला जाए, तो सबका जिंदगी सुधर जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा और सब इधर उधर आ जा सकेंगे। तो ये सब कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों से स्पेसिफिकली बतानी थी। और जो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या टिकट कर लें, अभी रुकिए थोड़ा, आप लोग दुनिया के जिस भी कॉर्नर में हैं वहाँ पे एक बार एम्बेसी से कांटेक्ट कर लीजिए या फिर होम अफेयर से कांटेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, और एक्चुअल में पूछ लीजिए कि वीसा में कितना प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। एकदम से टिकट मत करिए, क्योंकि टिकट तो मिल ही जाएंगे और ऑब्वियसली ये अभी न्यू साउथ वेल्स से स्टार्ट होगा, दूसरे स्टेटों में तो बाद में आएगा। तो ऐसे पूछ के करिए, एकदम से रश मत करिए। बट ऑब्वियसली बहुत अच्छी न्यूज़ है सबके लिए, और जो अब ऑस्ट्रेलिया से न्यू साउथ वेल्स से स्पेशली बाहर जाना चाहते हैं घूमने, और तो वो भी अब इजीली जा ही सकते हैं। तो ये सब मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था, मैंने सोचा कि वीडियो में ही बता दूं। तो दोस्तों ये ऐसी कुछ भी अगर मेजर अपडेट होगी जो कि रियल में ऑफिशियली आएगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लास्ट वीडियो भी आपने देखी होगी, मैंने आप लोगों को सारे अपडेट दिए थे, तो ऐसे ही मैं लाता रहूंगा। एंड होपफुली अब विक्टोरिया का लॉकडाउन हटे तो मैं और घूमना स्टार्ट हूँ और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया फ्रीली अब ओपन हो, तो फिर मैं आप लोगों के लिए और ट्रैवल व्लॉग्स लाऊं। तब तक आप मेरे ये वीडियोस और अपडेट्स देखते रहिए, जो भी होगा मैं लाऊंगा। और आप लोग इतना प्यार देते हैं मुझे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। लास्ट वीडियो भी आप लोगों ने देखी बट सब्सक्राइब जिन्होंने ने देखी 70% लोगों ने नहीं किया, तो जो भी आप लोग चाहते हैं यहाँ की अपडेट्स उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलूंगा दोबारा बहुत जल्दी मैं कुछ बाहर घूमते हुए आप लोगों को होपफुली। हाँ एक बात और, यहाँ तो दशहरा पे भी कुछ नहीं हुआ, दशहरा के दिन ये न्यूज़ आई है, तो आई होप इंडिया में आप सब लोगों ने मनाया होगा, यहाँ तो लॉकडाउन था कुछ हुआ नहीं। सो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। तो सब अपना ध्यान रखिए, चलिए कोविड प्रोटोकॉल्स अपनाते रहिए। चलिए बाय, टेक केयर।